हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न जैसे जैसे बनेगा तो ये हर एंगल से देखिए बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, ये पैटर्न बनने के बाद देखिए ये सर से जिगजैगी और वेवी लुक देगा और बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, इसकी बैक साइड भी बहुत सुंदर बनती है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को रिवर्सिबल बना सकते हैं इस पैटर्न को अप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो पैटर्न है दो बार बनाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये एक बार है और यहाँ से यहाँ ये दूसरी बार है, तो दो बार बनाया हुआ है देखिए। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे बहुत सुंदर लगने वाला है। तो देखिए, ये 18 सिलाइयों का 18 रोज का रिपीट पैटर्न है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 18 रोज हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 9 सिलाइयाँ हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 सिलाइयाँ हैं। तो 18 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे और इस तरह से ये पैटर्न को, डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। और इस पैटर्न को अप्लाई करने के लिए देखिए फंदे किस हिसाब से लेने हैं। 12 के मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 2 फंदे एजेस के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए अब इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को देखिए मैं यहाँ पे दो बार बना के बताने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 12 के मल्टीपल में 24 स्टिचेस लिए हुए हैं और उसके बाद जो है 2 फंदे और लिए हुए हैं दोनों तरफ एजेस के लिए। तो यहाँ पे जो है 26 स्टिचेस हैं, 26 फंदे मैंने बनाए हुए हैं। तो इस पैटर्न को जो है हम फ्रंट साइड पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रो वन देखिए, रो वन कैसे बनाएंगे हम। रो वन हमने पहला फंदा स्लिप करना है। पहला फंदा हमने हर सिलाई में स्लिप करना है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद देखिए हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे धागे को आगे करके जाली बना लेंगे। जाली बनाने के बाद हमने 8 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 फंदे हमने बना लिए हैं जाली बनाने के बाद। अब क्या करना है, हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में बना लेना है। 2 फंदों का एक फंदा बनाना है और उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना है। अब देखिए, ये पहला फंदा छोड़ के यहाँ दूसरा ये जो फंदा है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे ये 12 फंदे हैं और 12 फंदों को रिपीट करके हम जो है बार बार रिपीट करके जो है हम रो वन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कैसे हमने किया था, एक बार रिपीट करेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, सीधा बुनने के बाद यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके बाद 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुनने हैं और उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है। ये देखिए, हमने 12 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं। एज स्टिच आएगा, इसे हम सीधा ही बना लेंगे। ये रो वन हमारी इस तरह से बनेगी। तो आगे सभी 12 12 12 जितने भी फंदे आएंगे उनको इस तरह से बनाना है। और फिर आते हैं रो टू रॉन्ग साइड पे। रो टू रॉन्ग साइड पे देखिए, पहला फंदा हम ऑलवेज स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा जो है हमारा उल्टा बनेगा। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बनाएंगे, इस तरह से। और इसके बाद आएंगे हमारे 7 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए जाली है। इससे 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद जाली से पहले हम एक और जाली डालेंगे यहाँ और जाली वाले फंदे को उल्टा बना देंगे और उसके आगे एक फंदा है उसे भी हमने उल्टा बनाना है। तो जाली 7 फंदे बनाए हमने उल्टे, उसके बाद जाली डाली और 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ दूसरे फंदे से लेकर यहाँ ये 12 फंदे हैं, जैसे इन्हें बनाया है वैसे ही हम आगे के सभी 12 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाए थे, रिपीट करते हैं। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों के हमने यहाँ पे एक फंदा बनाना है, फिर उसके बाद 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3, 4, 5, 6 और ये 7 अब यहाँ देखिए, यहाँ हम जाली डालेंगे और आगे 2 फंदे हैं, एक जाली वाला एक ये नेक्स्ट उसके, तो इन दोनों को हमने उल्टा बनाना है
ऐसे, और लास्ट एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। तो रो टू हमने इस तरह से बनानी है। अब आते हैं रो थ्री फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड रो थ्री पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो नहीं तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो जो जाली से बने हुए फंदे हैं, दो और ये तीन। ये देखिए तीन फंदे हमने सीधे बनाए। अब हम इस तरह से जाली डाल लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद अब छह फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, छह फंदे सीधे बना लिए हैं। अब देखिए ये देखिए, अब यहाँ से हमें ये लाइन जो है विजिबल स्टार्ट दिखाई देगी, आगे ये पैटर्न में क्लियर आ जाएगी। तो इन दोनों को हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे, दो फंदों का यहाँ पे एक फंदा करेंगे, उसके बाद एक फंदा हमारा सीधा बुनेंगे हम। ये देखिए पहला फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे जैसे हमने बनाए वैसे ही हमने रिपीट करने हैं। तो चलिए रिपीट करते हैं, एक फंदा ये साइड वाला सीधा, उसके बाद दो फंदे और सीधे, तीन फंदे हो गए टोटल यहाँ पे सीधे बुनने हैं, उसके बाद जाली, उसके बाद छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ। अब यहाँ पे दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे ए, और उसके बाद एक फंदा जो है सीधा बनाएंगे। इसी तरह से हम 12-12 फंदे रिपीट करते जाएंगे रो थ्री पे, और ये लास्ट में देखिए एक एज स्टिच है, इसे हम सीधा ही बुन लेते हैं। ये देखिए अब रो फोर पहला फंदा स्लिप, एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, उसके बाद दो फंदों को हम ऐसे साथ में बुन लेंगे उल्टा। इसके बाद देखिए पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो इस तरह से देखिए हमारे जो है इस साइड फंदे कम होते जाएंगे और जाली से इधर जो है फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद हम जो है यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे, और उसके बाद देखिए हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक दो तीन और ये चार। अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ 12 फंदे बनाए हैं वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा उल्टा और यहाँ देखिए दो फंदे साथ में बुनेंगे उल्टा उल्टे, और उसके बाद पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच। इसके बाद डालेंगे जाली और उसके बाद चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और ये लास्ट में एज स्टिच है, हम इसे उल्टा ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी देखिए चार रोज जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं, और ये पैटर्न जो है हल्का सा विजिबल भी हो चुका है। तो अब रो फाइव बनाएंगे, फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमारे पांच फंदे सीधे आ जाएंगे इस साइड, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच हमने सीधे बुन लिए। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जाली, जाली डालने के बाद अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, उसके बाद दो फंदों का एक फंदा बनाना है और उसके बाद एक फंदा सीधा। अब ये 12 फंदे हमने रिपीट करने हैं। देखिए कैसे किए थे हमने, पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच, उसके बाद जाली डाली, उसके बाद चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और उसके बाद दो फंदों का एक फंदा किया और फिर एक फंदा और सीधा बुना। ये एज स्टिच है, हम इसे सीधा ही बुन लेते हैं। तो पांच सिलाइयां हम इस तरह से बनाएंगे, फाइव रोज कंप्लीट। अब आते हैं सिक्स रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद दो फंदों का हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारे तीन फंदे रह जाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली, और यहाँ पे हमारे छह फंदे आ जाएंगे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह। ये इस तरह से हम 12 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए कैसे किया था हमने, एक फंदा पहला उल्टा, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर तीन फंदे उल्टे बुने,
उसके बाद जाली डाली, उसके बाद छह फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छ, एड स्टिच उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारी छह रोज कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरह से। अब पहला फंदा स्लिप, ये हमारी सेवेंथ रो आती है। सेवेंथ रो पे पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, उसके बाद देखिए ये हमारे इस बार आ जाएंगे सात फंदे यहाँ पे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ पे डालेंगे हम जाली। अब यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाएंगे, यहाँ पे दो ही रह जाएंगे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा फिर सीधा बना लेंगे, ये इस तरह से। आप इन्हीं 12 फंदों को रिपीट करेंगे हम रो 7 पे। सात सात फंदे हमारे सीधे बनेंगे, दो तीन चार पाँच छ और ये सात। यहाँ पे डालेंगे अब जाली और उसके बाद बनाएंगे दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद दो का एक करेंगे ऐसे और एक फंदा बनाएंगे सीधा और एच स्टिच सीधा। ये इस तरह से हम रो 7 जो है कंप्लीट करेंगे। अब रो 8 बैक साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, दो फंदों का यहाँ पे एक फंदा ऐसे बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे एक ही फंदा रह जाएगा, सॉरी सीधा नहीं उल्टा, ये उल्टी रो है, उल्टी साइड हमने उल्टे ही बनाने, उल्टा। फ्रेंड्स अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर देती हूँ बोलने में तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे रो 8 पे हमने पहला फंदा जो है स्लिप किया, उसके बाद एक उल्टा बनाया, दो फंदों को साथ में उल्टा बुन दिया, दो का एक किया, एक फंदा उल्टा बुना। उसके बाद यहाँ पे हमारी पड़ जाएगी जाली और ये देखिए यहाँ पे हमारे आठ फंदे उल्टे आ जाएंगे। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। तो ये हम 12 फंदे जो हैं रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, देखिए एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर दो फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, उसके बाद जाली, उसके बाद यहाँ पे आठ उल्टे फंदे आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए हमारी आठ रोज जो हैं वो बन चुकी है इस तरह से। देखिए अब आते हैं नाइन्थ रो पे, पहला फंदा स्लिप, उसके बाद यहाँ पे अब हमारे नौ फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ। नौ फंदों के बाद हम जाली डालेंगे और जाली डालने के एकदम बाद हम दो फंदों का यहाँ पे एक फंदा डालेंगे और उसके बाद एक फंदा सीधा। अब ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे, तो रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 9 फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये 9, जाली और दो का एक और एक फंदा सीधा और ये स्टिच भी हम सीधा ही बना लेते हैं। तो ये हमारी जो है आधा डिज़ाइन जो है पड़ चुका है। ये अब हम सेकेंड हाफ डिज़ाइन शुरू करेंगे उल्टी सिलाई से। अब देखिए जैसे हमने सीधी साइड पे जो है रो 1 बनाई थी जिस तरह से निट करते हुए सीधा बुनते हुए, अब वही हम यहाँ पे 10th रो पे अप्लाई करेंगे लेकिन उल्टा बुनते हुए। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया, एज स्टिच को स्लिप किया, एक फंदा हमने उल्टा बनाया। देखिए रो 1 में हमने एक फंदा सीधा बनाया था और उसके बाद हमने जाली डाली थी, यहाँ पे हम उल्टा बुनते हुए करेंगे, एक फंदा स्लिप किया एक उल्टा बुना, फिर जाली,
फिर उसके बाद देखिए 8 फंदे हमने सीधे बुने थे, यहाँ पे 8 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 फंदा अब जो बनाए हैं हमने, उसके बाद हमने दो सीधे फंदों का एक फंदा बनाया था, अब हम यहाँ पे दो उल्टे फंदों को एक बनाएंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम दो उल्टे फंदों को घुमा लेंगे आगे, और यहाँ पे सिलाई पर लेते हुए हम बैक लूप से इसे इस तरह से साथ में उल्टा बुन लेंगे दोनों फंदों को। तो यहाँ पे हम इस तरह से दो का एक करेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब देखिए पहले फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही हमने ये रो 10 पे जो है 12-12 सभी फंदे रिपीट करने। देखिए कैसे करना है, कैसे किया हमने यहाँ से यहाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक फंदा उल्टा जाली, 8 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर दो फंदों का हमने इस तरह से एक फंदा बनाना है, दोनों को घुमा लिया पहले और उसके बाद घुमा के दोनों को बैक लूप से इस तरह से लेते हुए साथ में बुन लेंगे, और उसके बाद एक फंदा उल्टा और उसके बाद एज स्टिच है उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हम रो 10 जो है कंप्लीट कर लेंगे। रो 11 पहला फंदा स्लिप, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद देखिए ये दो फंदे हम ऐसे घुमा के दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रह जाएंगे 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदों के बाद हम डालेंगे यहाँ जाली और उसके बाद दो फंदे सीधे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे जैसे हमने बनाए वैसे हम रिपीट करेंगे। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर दो फंदों को घुमा के हमने दोनों को साथ में बुनना है, उसके बाद 7 फंदे सीधे बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। उसके बाद जाली और दो फंदे सीधे, 1, 2। ऐसे ही हम 12-12 फंदे रिपीट करेंगे रो 11, और लास्ट में हमारा एज स्टिच आएगा उसे हम सीधा ही बुन लेंगे। अब रो 12 पहला फंदा स्लिप, फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमारे 6 फंदे उल्टे रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए अब हमने दो फंदों को जैसे पहले किया वैसे ही इस तरह से घुमा के सिलाई पे वापस लेके दूसरी सिलाई को बैक लूप से ऐसे लेते हुए डालते हुए इन दोनों को साथ में उल्टा बना लेंगे और एक फंदा उसके बाद उल्टा बनाएंगे। तो इन्हीं 12 फंदों को हम रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे जाली, 6 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 2 फंदों को घुमा के बैक लूप से साथ में बुनेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे उल्टी सिलाई पे। यहाँ पे देखिए इस तरह हम जो है 12 रोज कंप्लीट करेंगे। 13th रो पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, तो देखिए अब जो है ये जो है 12 फंदों में एक साइड जो है यहाँ पे फंदे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस साइड जो है ये घटना शुरू हो जाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे रो 13, अब दो फंदों को घुमा के ऐसे हम साथ में बुनेंगे दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे 5 फंदे रह जाएंगे, अब 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डालेंगे और यहाँ पे अब देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। रिपीट कर लेते हैं यानी 12 फंदों को, एक फंदा सीधा, दो फंदों का ऐसे एक फंदा बनाएंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 5
पांच फंदे सीधे बुनने के बाद जाली और फिर चार फंदे सीधे और लास्ट में एज स्टिच सीधा ही बुन लेंगे सीधी सिलाई पे। तो इस तरह से हमारी 13 रो कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं 14th रो पे। पहला फंदा स्लिप, अब यहाँ पे देखिए पांच फंदे आ जाएंगे इस साइड, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद जाली, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे चार ही फंदे रह जाएंगे, एक दो तीन चार और उसके बाद दो फंदों का हमने एक फंदा ऐसे बनाना है, घुमा के सिलाई पे वापस लेके बैक लूप से साथ में बुन लेना है और उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं 12 फंदों को रिपीट कर लेते हैं। एक फंदा यहाँ पे हमारे पांच फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद एक जाली, उसके बाद चार फंदे उल्टे। चार फंदे उल्टे बनाने के बाद हम दो का एक इस तरह से बनाए करेंगे, यहाँ पे दो उल्टे फंदों का एक उल्टा फंदा ऐसे, उसके बाद एक उल्टा फंदा और उसके बाद एज स्टिच उल्टा ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है 14 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए अब हमारा डिज़ाइन जो है विजिबल हो चुका है। तो अब आते हैं 15th रो पे। पहला फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, दो फंदों का हम ऐसे बनाएंगे एक फंदा, उसके बाद देखिए यहाँ पे रह जाएंगे हमारे तीन फंदे, एक दो तीन, उसके बाद जाली और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे देखिए छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इस तरह से। ये 12 फंदों को रिपीट कर लेते हैं। देखिए एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक करेंगे ऐसे, तीन फंदे बनाएंगे सीधे, उसके बाद डालेंगे जाली, छः फंदे बनाएंगे सीधे, फिर ये इस तरह और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। इस तरह से 15 रोज कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं 16th रो पे। पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे को और दूसरे फंदे के साथ में हमने यहाँ पे देखिए जाली डाली थी, जाली से इधर हमारे फंदे बनेंगे अब साथ। ये एक बना लिया, ये दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे बन गए हैं अब हमारे इस साइड और यहाँ डालेंगे जाली। अब यहाँ पे दो फंदे सीधे, एक दो, अब यहाँ पे दो फंदों को हम घुमा के इस तरह से दो का एक कर लेंगे इस तरह और उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं 12 फंदों को रिपीट कर लेते हैं। सात फंदे उल्टे बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, इसके बाद डालेंगे यहाँ जाली, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, सॉरी तीन नहीं दो ही बनाने हैं हमने यहाँ पे, दो फंदे उल्टे और उसके बाद दो फंदों को हम घुमा के इस तरह से यहाँ पे दो उल्टे फंदों का एक उल्टा फंदा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम 12 फंदे आगे बनाते जाएंगे और ये लास्ट में एज स्टिच को भी उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हम 16 रोज जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 16 रोज के बाद ये हमारा पैटर्न जो है ये इस तरह से दिखेगा। अब 17th रो पे एक फंदा स्लिप, एक सीधा बुना, दो फंदों का एक फंदा ऐसे, फिर यहाँ पे एक ही फंदा रह जाएगा देखिए सीधा बनाने के लिए और ये बना लिया जाली, फिर यहाँ पे देखिए हमारे कितने आएंगे, दो चार छः आठ, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
आठ, आठ फंदे सीधे आएंगे फिर इस साइड, और यहाँ पे फिर रिपीट कर लेते हैं इन्हीं 12 फंदों को। एक फंदा सीधा, दो का एक ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर यहाँ पे आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और एज स्टिच भी हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं लास्ट रो, 18th रो। पहला फंदा स्लिप करके अब हमारे यहाँ पे 9 फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और ये 9 फंदे के बाद जाली, और यहाँ पे 2 फंदों को उसी के बाद जाली डालने के एकदम बाद हम 2 फंदों का हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, और एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। फिर 9 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9, जाली, और 2 फंदों को घुमा के इस तरह से, एक और यहाँ पे उल्टा, और ये एज स्टिच उल्टा ही बना लेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, और अब इन्हीं 18 रोज को जो है हम बार बार रिपीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आपको टिप बताना चाहती हूँ इस डिज़ाइन से लेके। यहाँ पे जो है मैंने ये सिर्फ एक ही कलर से बनाया हुआ है पैटर्न, आप इसको मल्टी कलर भी बना सकते हैं, और मल्टी कलर जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है। कलर्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, और रोज़ भी आप अपनी डिसाइड कीजिए कि किस कलर से हमने कितनी रोज़ बनानी है। वो 18 रोज़ में जो है डिवाइड कर लीजिए कलर्स को, और उससे जो ये पैटर्न जो प्रोजेक्ट बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनने वाला है।